साफ सफाई के चक्कर में ये वास ही साफ हो गया। जल्दी से इसे ठीक करती हूँ। रिंग रॉन्ग रिंग, ये वास पहले जैसा था ना, बिल्कुल वैसा हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। मानसी जी, मानसी वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं जी? बॉस आ रहे हैं। आपके बॉस संडे को इतनी सुबह? आपने इनवाइट किया था? नहीं नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को इनवाइट किया। अभी कुछ देर पहले उनका फोन आया था, कहने लगे विजय तू मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? तो मैंने कहा फॉर सर व्हाई नॉट, तो कहने लगे ठीक है तू वेट करो मैं आ रहा हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं ना, उन्हें आने दीजिए, मैं उन्हें चाय भी पिलाऊंगी और ब्रेकफास्ट भी करवाऊंगी, ठीक है? मानसी तुम कितनी अच्छी हो, तुम चीजों को मेरे लिए कितना सरल कर देती हो। मानसी मानसी आए आए, शायद मैं ये तुमसे कभी नहीं बोल पाऊंगा। ये तीन शब्द बोलने के लिए मुझे मुझे तीन जन्म लेने पड़ेंगे लगता है मानसी। मैं शायद कभी नहीं बोल पाऊंगा, मैं कभी बोलूंगा कभी। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे नहीं बोल पाएंगे। चौहान साहब के लिए स्पेशल चाय तैयार है। रिंग रॉन्ग रिंग, इस चाय को पीते ही इनकी दिल की बात इनके जुबान तक आ जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। सुनिए जी, आपके लिए चाय। अरे मानसी तुम्हें कैसे मालूम चला कि मेरे दिल चाय पीने के लिए कह रहा है? दिल से दिल को राह होती है जी, देखना ये चाय पीते ही ना आपके दिल की बात आपके जुबान तक आ जाएगी। सच? बहू चाय लाई माँ जी। सुनिए आप ये चाय पक्का पी लेना। हाँ पी लूंगा। चाय पी लेना। हाँ हाँ मानसी गर्म है पी लूंगा। भैया भैया चाय पीने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोल। भैया आज मेरा एक प्रोड्यूसर घर पे आने वाला है। घर पे क्यों? वो भैया इसलिए कि वो बड़ा ही घरेलू किस्म का प्रोड्यूसर है और उसे डायरेक्टर भी चाहिए घरेलू, मतलब जिसकी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो, प्यार हो, यू नो। इसलिए मैं ही चाहता हूँ कि जब वो घर पे आए तो इसे उसे ऐसा लगना चाहिए कि वाह क्या फैमिली है, क्या प्यार है। भैया वैसे तो मेरी स्क्रिप्ट बहुत दमदार है, एक काम करता हूँ मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, देख तेरे करियर के लिए मैं छोटा मोटा झूठ बोल दूंगा बस। नहीं भैया नहीं, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माय स्क्रिप्ट इज द विनर। आप चाय पीजिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ओके। वाह क्या चाय बनी है, ऐसा लग रहा है कि आज जो जी में आ रहा है बोल दूं, दिल की ग्राह खोल दूं, चुप ना बैठूं, कुछ तो भी तो बोल दूं। भैया मेरी फिल्म का नाम है बातों के पकौड़े। एक दिन पकौड़ा किंग बन जाता है। कैसी लगी कहानी भैया? घटिया वाहियात, एक नंबर की दो कौड़ी की कहानी है तुम्हारी। तू अपने आप को ट्रैक्टर कहता है? अरे जाके खेतों में ट्रैक्टर चलाए, ट्रैक्टर जो उससे उगेगा ना उससे कुछ पकेगा। तो ऐसी कहानी सुना सुना के हमारा दिमाग पकाता रहता है। चुप कर रोना बंद कर। और तू मुझे एक बात बता, तू हर दो दिन में एक नई कहानी कैसे लिख लेता है और कंसिस्टेंसी के साथ पहली से दूसरी और बुरी होती है, कैसे तू कैसे मैनेज करता है ये बता मुझे। चुप कर, रोता रहता चल। बड़ा हो गया लेकिन मैंने मैंने अजय से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और मैंने अजय को डांट दिया, वो तो रो रहा है। आज तो बहू की चाय का स्वाद ही कुछ अलग है, पीते ही दिल में गिटार बजने लगी है, ऐसा लग रहा है दिल की बात ज़बान पे आ जाएगी। मुझे कुछ कहना है,
मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। माँ, माँ, अक्सर कोई लड़का इस हाल में अपनी उम्र के 25वें साल में जब अपने बड़े भाई से डांट खाता है तो कितना बेइज्जत महसूस करता है, वो मुझे कहना है माँ। ओ मेरा बच्चा, विजय ने तुझे डांटा? माँ, हाँ माँ, आज ना एक प्रोड्यूसर मेरे घर पे आने वाला है ये देखने के लिए कि हमारी फैमिली की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। बस माँ, यही बात कहने में विजय भैया के पास गया था कि उस प्रोड्यूसर के सामने मुझसे प्यार से बात करना, लेकिन माँ वो भड़क गए और मुझे डांट दिया। बस इतनी सी बात पे? नहीं माँ, थोड़ी बात और भी हुई थी। मैंने ना उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी सुनाई थी माँ, लेकिन माँ उन्होंने तो मेरी स्क्रिप्ट को भी भला बुरा कहा माँ। अब आप ही बताओ माँ, अगर मेरा बड़ा भाई मेरी स्क्रिप्ट की बुराई करेगा तो बाहर वाले लोग क्या कहेंगे माँ? गधा ही कहेंगे ना। गधा तो तू है और तेरे सर पे सींग भी नहीं है। माँ, माँ, मैं तो इस उम्मीद से आपके पास आया था कि कम से कम आप तो मेरे जज्बातों को समझेंगी और उस प्रोड्यूसर के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होगी माँ। इज्जती तो उसकी होती है डड्डू जिसकी कोई इज्जत होती है। तेरी कहानियां बकवास होती हैं तो उन्हें बकवास ही कहा जाएगा ना। मुझे नहीं पता, तेरी वजह से मैंने दो दो बार दिन में मंदिर जाना शुरू कर दिया है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, सुबह इसलिए जाती हूँ कि तेरी बोरिंग कहानियां सुनने से बच सकूं और शाम को भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि तुझे कुछ अक्कल दे दे, क्योंकि जब वो अक्कल बांट रहा था ना तो किसी कोने में बैठा एक घटिया सी स्क्रिप्ट लिख रहा था। अच्छा ही होगा प्रोड्यूसर भाग जाए तो, कम से कम ये ऑडियंसेस एक और वाहियात फिल्म देखने से तो बच जाएंगी। लगता है मैंने डड्डू को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सर आप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बॉस, क्या लग रहे हैं आप एकदम। राज भाई सब आप और भाभी। भाई हमने बॉस को यहाँ आते हुए देखा तो सोचा कि इनको चाय पे कंपनी दे दी जाए। क्यों भाई, मैं तो सिर्फ जूस लूंगी क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ ना। भाभी आप अंदर तो चलिए, सब मिलेगा। रिक्शे से आए सर, आपने मुझे फोन कर दिया होता, मैं टू व्हीलर गया था सर, बड़ा दूर नहीं घर आपका, पास में था 20 किलोमीटर। सुनिए चाय। ये सर चाय लीजिए। चाय सर आप जी। मानसी बॉस के लिए नाश्ता वास्ता लाओ, की फैमिली बाहर गई हुई आउट ऑफ टाउन तो घर से भूखे आए होंगे। अभी लाती हूं, सब बना के रखा है। मानसी बहुत एक्सपर्ट है। अरे भाई विजय, आपने हमें बताया ही नहीं कि ये हमारी शर्ट कैसी लग रही है। बस मैं इस तरह के कपड़े पहनता नहीं हूँ लेकिन आज कुछ मूड आ गया। सच बताऊं तो ये, अरे सर इसकी क्या औकात है ऐसी शानदार शर्ट पहनने की। अरे ये तो आपने पहन ली तो इसने देख ली, वरना इसकी तो किस्मत में भी नहीं है ऐसी शर्ट देखना। राज इससे भी कहीं बेटर शर्ट्स मेरी कबर में रखी हैं, मैं पहनता नहीं, बात अलग है। आप चुप रहिए भाई साहब। क्यों चुप रहूं, क्यों चुप रहूं? मैंने आपका कर्ज खाया हुआ है क्या? जब भी कुछ बोलता हूं आप बोलती चुप रहिए। आप स्पीकर हैं कि आप बोलेंगी सब चुप रहेंगे? जब देखो चुप रहिए भाई साहब, चुप रहिए भाई साहब। माई जूस, भाई साहब मेरा जूस। मानसी द जूस इज नॉट फ्रेश। आप जानते हैं सर, मैं ना सुबह सुबह उठकर जूस ही पीती हूँ। पहले सुबह मुझे जूस चाहिए, उसके बाद मेरा दिन शुरू होता है। सुबह सुबह उठकर पहले ही मैं मिक्सर ग्राइंडर खोलकर जूस बनाती हूँ। कुछ बोलो ना राज, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं सर को? सुबह 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 कैसी होती है तुम्हें मालूम है बिंदु? सुबह सु
सुबह में जोर दे रही है, सुबह सुबह में बोल 11 बजे से पहले नींद नहीं खुलती मैडम की। और डाइटिंग, डाइटिंग की बात सुनिए आप इनकी, ये जब व्रत रखती है ना व्रत, तो सुबह से शाम तक ड्राई फ्रूट खाती है चपर 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 चपर, इतना बड़ा तो मैंगो शेक का ग्लास पी जाती है और डायनासोर की तरह डकारती है, पूरा घर हिल जाता है, पूरा घर हिल जाता है। राज, जस्ट स्टॉप इट। सर, आई थिंक यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी। भाभी बचाओ, भाभी बचाओ, भाभी प्लीज 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 बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैं अभी आई जी। भाभी, भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनिए। भाभी रुकिए। क्या है? भाभी आप तो ऐसे ही नाराज हो गई। राज भाई साहब तो आपसे मजाक कर रहे थे। भाई साहब आप कुछ बोलिए ना, आप बोलिए ना कि आप मजाक कर रहे थे। अच्छा ठीक है, भाभी से माफी मांगिए, मांगिए। बिंदु डार्लिंग, मैं क्या बोल रहा था? या गो ऑन। दरअसल बात यह है कि या टेल मी, मैं जो भी बोल रहा था सच बोल रहा था। अरे तुम्हारी जैसी औरत के साथ तो वो रह सकता है जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ना हो। व्हाट? हाई सोसाइटी करती हो? हाई सोसाइटी की स्पेलिंग बता तुमको? अरे बाप रे, ये मुझे क्या हो गया? वाह वाह, ये चाय पीकर तुम दिल बाग बाग हो गया, और इस बाग बाग हुए दिल से आवाज आ रही है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात करने लगा। कहिए सर, व्हाई नॉट। विजय, दरअसल मैं तुम्हारे यहाँ चाय पीने के लिए नहीं आया था, बल्कि ये देखने के लिए आया था कि कल शाम को जो मैंने तुम्हें सुरेश एंड कंपनी की फाइल का काम कंप्लीट करने के लिए दिया था, वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। पर यहां आकर देखता हूं कि तुमने काम करना तो दूर, फाइल को हाथ तक नहीं लगाया। फाइल को हाथ लगाया लेकिन काम शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया बोलो? क्योंकि मेरा दिल नहीं किया। आपका काम करते करते मेरे हाथों में छाले पड़ गए, केबिन के चक्कर काटते काटते मेरे जूते के सोल घिस गए, लेकिन आपके मुंह से मेरे लिए एक तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता। मुझे आप नालायक समझते, बस सही समझता रहा। मिस्टर विजय, तुम न सिर्फ नालायक हो बल्कि अव्वल दर्जे के काम चोर हो, काम चोर। वो तो कल आपने मेरे बालों की तारीफ कर दी थी, इसलिए मेरे दिल ने कहा कि नहीं बदलू, नहीं। विजय इतना बुरा नहीं है जितना कि तू उसे समझता है। बाल? नहीं नहीं, कहाँ है बाल? बाल है ये, इसे सपाट मैदान कहते हैं। मिस्टर विजय, और आम भाषा में ये कहलाता है टकला। मिस्टर विजय, चिल्लाइए मत, टकला वंस अ टकला ऑलवेज अ टकला एंड यू आर अ टकला। मैं आपको एक नसीहत दूं मिस्टर बबलू त्रिपाठी, जो आप लंच आवर में बैठ के अपने लैपटॉप पे टाइम वेस्ट करते हैं, आप एक काम किया कीजिए, बाहर आए करिए, स्टाफ में बैठिए, चार शरीफ लोगों के साथ बैठिए, कम से कम वो चार शरीफ लोग आपके टकले पे कैरम बोर्ड तक खेलेंगे। भाई साहब, भाई साहब, आप क्यों आए? मेरा मतलब आप कब आए और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये आप अपने बेटे से पूछिए, जिसे इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने बॉस से किस तरह से बात की जाती है। ये तो खुद काम नहीं करता है और ऊपर से मेरे बालों का, मेरे टकने का मजाक उड़ा रहा है, छीटा कटी कर रहा है, मुझे नसीहत दे रहा है। नसीहत दे रहा है आपको? आपको तो इसे ना अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ काम करने से बेहतर तो ये एक वड़ा पाव की दुकान खोल ले। आपके यहाँ तो कोई क्रेडिट मिलता नहीं है इसे, बस गालियाँ ही मिलती हैं सिर्फ सियापति रामचंद्र की जय। विजय, विजय, कोई मुझे यहाँ बताएगा कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मेरी बेइज्जती करने के लिए? हम कभी नहीं बुलाते आपको, आप खुद ही चले आते हैं मुंह उठा के। अरे तुम्हारी जिंदगी में तो सिर्फ एक ही करियर लग सकता है और वो है साइकिल का, उसके ऊपर अंडे रखकर दुकानों में बेचो, समझे? वही तुम्हारी नियति है, न कहानी की तमीज, न एक्टिंग की तमीज। अगर तुम डायरेक्टर बन सकते हो तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूँ। ओ मामा, कभी नक्शे में अमेरिका देखा है? साउथ में कभी नागपाड़ा के आगे नहीं गए और वेस्ट में कभी नरसपाड़ा के आगे नहीं गए, बने राष्ट्रपति। अरे आप तो वो कुएं के मेंढक है, कुएं के मेंढक,
अपने उस केबिन में कुर्सी पे बैठ के बस टर टर करते रहिए बस टर टर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आखिर आज तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जबान पर आई गई विजय। विजय इतना मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बॉस और बॉस से किस तरह से बात की जाती है ये तुम ये तुम राज मुझसे कितनी बात करता है लेकिन जब भी बात करता है तो हमेशा मेरी तारीफ करता है। वो तो करनी पड़ती है सर, क्या करें, मजबूरी है सर। ऑफिस में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और ये क्या पहन रखा आपने? क्या ये क्या अपने आप को डॉक्टर समझते हैं? फैशन फैशन कर रहे हैं? अच्छा ये सब क्या हो रहा है? भाभी भाभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजय मैं आ गया घूम घाम के। सर आप आ गए? हाँ। क्या हैप्पी फैमिली है, मेरा मन सेंटिमेंटल हो गया घूम घुमा के। सर वेलकम सर। सर ये मेरी हैप्पी फैमिली है, ये मेरी भाभी हैं, ये मेरी माँ हैं, वो मेरे भैया हैं, ये हमारे नेबर मिस्टर राज, और ये मेरे भैया और मिस्टर राज के बॉस मिस्टर बबलू त्रिपाठी। और ये जोकर कौन है? इंसल्ट इंसल्ट अजय, इतनी इंसल्ट मेरी तबीयत भी नहीं हुई थी जब मैंने लगातार 6 फ्लॉप फिल्में दी थी घूम घाम के। देखिए 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 प्रोड्यूसर साहब, वो 6 फिल्में फ्लॉप होके फिर भी आप सरवाइव हो गए ना, तो क्यों आप अजय से फिल्म बनाने के बाद अपने जिंदगी के इंटरवल में ही उसका दी एंड करना चाहते हैं? सियापति रामचंद्र की जय। माँ आप मेरी सगी माँ हैं या सौतेली माँ? मैं तो अपने दिल की बात कह रही थी बस। माँ ये दिल की बात कह रही है या दिल की भड़ास निकाल रही है? आप क्या बात कर रही हैं? आप दिल की बात? रिंग रॉन्ग रिंग, इस चाय को पीते ही इनकी दिल की बात इनके जुबान तक आ जाएगी। रिंग रॉन्ग रिंग। क्या कर रही है माँ? मेरा करियर चौपट हो जाएगा। आई एम सॉरी सर। ये सब क्या हो रहा है? रिंग रॉन्ग रिंग, सब लोग फ्रीज हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। ये सब इस रिंग की वजह से हुआ है। रिंग रॉन्ग रिंग, सब लोग चाय के असर से बाहर आ जाए, सारी बातें भूलकर नॉर्मल हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। अरे सर आप अजय मैं आ गया घूम घूम के। आइए सर आइए। सर सर ये है मेरी हैप्पी बिग फैमिली। फैमिली को देखकर मेरा मन थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया घूम घाम के, है ना सर? सर आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ डिटेल्स जानना चाहेंगे? नहीं अजय मुझे अब कुछ नहीं जानना है, हम लोग अब सीधा लोनावाला चलते हैं मेरे खर्चे पर घूम घाम के। चलिए सर चलिए मैं आता हूं। कंग्रेचुलेशन ब्रदर, बढ़िया पिक्चर बना रहे हो। भाई साहब आप नाश्ता वास्ता कीजिए, मेरी जरा पूजा का समय हो गया है। अरे विजय मैं इतनी देर से यहाँ पर आया हुआ हूँ, तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। तुमने भी मुझे कई बार देखा है लेकिन एक बार भी मुझे ये नहीं बताया कि मेरी शर्ट कैसी लग रही है। सर आपकी शर्ट रियली बहुत। अरे सर ये चंपू क्या बताएगा, मैं बताता हूँ ना सर आपको, बहुत कमाल की शर्ट पहनी आपने। सच बोलूँ तो आप कॉलेज के हीरो लग रहे हैं सर। आइए सर बाहर चलते हैं। देखो मानसी, सब लोग अपने दिल की बात कह पाते हैं, एक मैं ही हूं जो अपने दिल की बात नहीं कह पाता और शायद कभी कह भी ना पाऊं। कोई बात नहीं जी, जुबान की जरूरत उस जज्बात को होती है जहां प्यार का एहसास नहीं होता, लेकिन आपकी आंखें तो बिना कुछ कहे अपने दिल की बात मुझसे कह देती है। तो जुबान की क्या जरूरत है? सच For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.